बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है, और उसके लिए हमारे पास जो नेचर ऑफ अकाउंट्स, मेनली पांच नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, और उन्हें डिवाइड कर दिया गया टोटल 16 कैटेगरीज में पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। व्यूअर्स, अब हमें अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी में अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाना है, मेंटेन करना है, और हम देखते हैं कि उसे हमें कैसे करना है। तो व्यूअर, मैं पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूँ। हमेशा की तरह आपके पास यही वेलकम स्क्रीन अपीयर होगी, लेकिन अब की बार हमें क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बजाय ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी पर जो है वो जाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि असद कंप्यूटर्स के नाम से हमारी एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, जो कि हम अपने पहले चैप्टर में जो है वो बना चुके हैं। और मैं इस कंपनी को हाईलाइट करके ओके कर देता हूँ। और व्यूअर्स, जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो हमारी कंपनी की जो सेटअप फाइल है वो लोड हो जाएगी हमारे इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और अब हम जो भी काम करेंगे वो असल कंप्यूटर के फाइल में सेव होता चला जाएगा। तो व्यूअर्स, हमें चूंकि चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम मेंटेन के मेन्यू में से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। जो ही आप चार्ट ऑफ अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपको अपने बनाने वाले अकाउंट की, अपने बनने वाले अकाउंट की तमाम डिटेल्स एंटर करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले चीज इसमें जो मौजूद है वो है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी से क्या मुराद है? अकाउंट आईडी बेसिकली व्यूअर्स एक नंबर है, या आप नंबर्स और अल्फाबेट्स का कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर बिजनेस में अकाउंट आईडीज एलोकेट किए जाते हैं नंबर बेसिस पे, और ये अकाउंट आईडीज यूनिक होती हैं। यानी आप एक अकाउंट आईडी अगर किसी एक अकाउंट आइटम को एलोकेट कर देते हैं, तो आप उसी अकाउंट आईडी को किसी और अकाउंट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि हम अकाउंट आईडीज किस तरह से जनरेट करें। आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी अकाउंट आईडी एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे मौजूद है, जिसके तहत तमाम बिजनेसेस में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हैं, जिसमें तमाम बिजनेस के चार्ट ऑफ अकाउंट जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो कोडिंग के लिए खास स्टैंडर्ड है। और हम देखते हैं वो स्टैंडर्ड क्या है। व्यूअर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करने के लिए आपके अकाउंट आईडीज के जो स्टैंडर्ड हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अकाउंट 1000 से लेकर 1999 तक आप जो अकाउंट आईडीज एलोकेट करेंगे अपने एसेट्स अकाउंट को एलोकेट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है कैश अकाउंट, तो मैं उसका अकाउंट आईडी 1000 से लेकर 1999 तक की रेंज में क्रिएट करूंगा। सवाल ये उठता होगा आपके जहन में कि क्या इसके अलावा कोई और अकाउंट आईडी हम नहीं दे सकते? डेफिनेटली आप कोई भी अकाउंट आईडी दे सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड की, कि स्टैंडर्ड वे क्या है काम करने का। व्यूअर्स, उसके बाद 2000 से लेकर 2999 तक के अकाउंट आईडीज आप अपने लायबिलिटीज अकाउंट को एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद 3000 से लेकर 3999 तक के अकाउंट आईडीज इक्विटी अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए जो अकाउंट आईडीज यूज किए जाते हैं वो है 4000 से लेकर 4999 तक। और व्यूअर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट आईडीज आप 5000 से लेकर 5999 तक के आईडीज जो है एलोकेट करते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट्स जो हैं आप 6000 से लेकर 6999 तक एलोकेट कर सकते हैं। और अदर रेवेन्यूज अकाउंट, यानी आपकी बिजनेस की मेन स्ट्रीम की इनकम जो है, उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बुक स्टोर है जिसमें आप बुक सेल करते हैं, तो उस आपकी जो बुक्स की सेल्स है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन समटाइम इस इनकम के अलावा आपको कोई इनकम जनरेट होती है, मिसाल के तौर पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, या कोई कमीशन मिलता है, या डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो उसे हम अदर इनकम के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो उनके अकाउंट आईडीज हम 7000 से लेकर 7999 तक एलोकेट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, लास्ट में अदर एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी अगर हम इंटरेस्ट पे करें या कमीशन पे करें या डिस्काउंट अलाउ करें किसी कस्टमर को, तो हमारे लिए एक्सपेंस तो है लेकिन वो अदर एक्सपेंसेस हैं, और उनके लिए जो अकाउंट आईडीज यूज किए जाते हैं वो 8000 से लेकर 8999 तक होते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम चूंकि अकाउंट आईडीज के स्टैंडर्ड को देख चुके हैं और हम जान चुके हैं कि हमें कौन सा अकाउंट आईडी या किस अकाउंट आईडीज की रेंज में रहते हुए अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिज़ाइन करना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंट आईडी एंटर करने के बाद दूसरा काम है आपको अपने अकाउंट की डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है। डिस्क्रिप्शन से मुराद आपके अकाउंट का नाम। और व्यूअर्स, इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो आपके पास दो टैब्स मौजूद हैं, जनरल और बजट्स। जनरल के टैब में व्यूअर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका अकाउंट टाइप। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि हमारे पास जो हमारे पांच नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जब आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इन 16 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएटली, जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसके मुताबिक। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ नीचे आपको कुछ हिस्ट्री नज़र आ रही है। बेसिकली
जो 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 आप ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे तो आपके अकाउंट आईडीज की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर क्रिएट होती चली जाएगी। और राइट साइड पे जो दूसरा टैब है व्यूवर्स, वो है बजट्स का। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक्सपेंसेस को कंज्यूम करने के लिए या एक्सपेंसेस के लिए खास लिमिट मुकरर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप यूटिलिटी बिल्स के लिए जो है वो फॉर एग्जाम्पल साल में 30,000 यूज़ कर सकते हैं या 70,000 यूज़ कर सकते हैं, या सैलरी के लिए आपको जो बजट दिया गया है वो 2,00,000 रुपये सालाना तक का है। तो आप अपने बजट्स को यहाँ पर अगर एंटर कर दें, उसके ऐसा करने की सूरत में आप जब एक्चुअली एक्सपेंसेस करते चले जाएंगे तो आपके बजट के साथ उसका कंपैरिजन आता जाएगा और आप ये देख पाएंगे कि क्या हमने जो प्लान किया था, जो बजट क्रिएट किया था, क्या हम उस बजट के लिमिट में रहते हुए काम कर रहे हैं या नहीं। व्यूअर्स, इन दो टैब्स के अलावा आपको यहाँ पर एक बिगिनिंग बैलेंस का बटन भी नज़र आ रहा है। जब आप अपना अकाउंट कोई क्रिएट करते हैं और आपका बिजनेस अगर पहले से रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप पहले मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में काम कर रहे थे और अब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में डेफिनेटली आपके पास कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जिनका कुछ बचा हुआ बैलेंस होगा, खासतौर पर आपके एसेट्स के अकाउंट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के अकाउंट्स। तो उनका बिगनिंग बैलेंस एंटर करने के लिए व्यूवर्स हम इस बटन को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक और बटन जो व्यूवर्स मौजूद है या चेक बॉक्स मौजूद है, वो है इनएक्टिव। इनएक्टिव का क्या मुराद है? अगर आप कोई अकाउंट टेम्पोरली यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उस अकाउंट को इनएक्टिव कर सकते हैं। यानी अगर आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करके ये इस इनएक्टिव चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो वो अकाउंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। तो व्यूअर्स, अब हम तमाम बेसिक्स को जान चुके हैं, तो हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं कि हम अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना व्यूअर्स कैश अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, और कैश अकाउंट के लिए चूंकि कैश मेरा एसेट का अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के लिए जो अकाउंट आईडी मेरे पास 1000 से लेकर 1999 तक के हैं, तो व्यूअर्स मैं 1000, देखिए मैंने जो ही 1 टाइप किया मेरे पास एक पॉप डाउन विंडो अपीयर होगी। बेसिकली ये विंडो इस वक्त एम्प्टी है। जो जो हम अकाउंट आईडीज क्रिएट करते जाएंगे, अपने अकाउंट्स जनरेट करते जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, ये विंडो पॉपुलेट होती चली जाएगी। मैं 1001 अकाउंट आईडी एंटर कर रहा हूँ अपने कैश के लिए। मैंने अकाउंट आईडी एंटर किया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ व्यूअर्स से कैश अकाउंट। अब तीसरा काम जो मुझे सबसे अहम करना है व्यूअर्स, बेसिकली तीन स्टेप इसमें ज़्यादा अहम है, यानी अकाउंट आईडी डिक्लेरेशन, डिस्क्रिप्शन यानी अकाउंट का नाम, और उस अकाउंट की टाइप। व्यूअर्स, कैश के लिए अलहदा से कैटेगरी बना के दीजिए, क्योंकि कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने कैटेगरी में कैश का अलहदा से कैटेगरी रखी हुई है। तो चूंकि हमारे ये कैश अकाउंट है, तो कैटेगरी के अंदर भी मैं अकाउंट टाइप में भी इसे कैश के तौर पर ही सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, ऐसा करने के बाद मुझे जस्ट सेव के बटन पर क्लिक करना है। जो ही मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया, मेरा ये अकाउंट सेव हो गया। और अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं अगर इस मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब जो हमारे पास लिस्ट आ रही है उसमें कैश अकाउंट आ रहा है, जिसकी नेचर जो है कैश है, जिसका नाम कैश अकाउंट है और जिसका अकाउंट आईडी 1001 है। व्यूवर्स, अब एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं अपने पास जो मेरे पास टूल बॉक्स टूल टैब मौजूद है उसमें से न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एम्प्टी फील्ड्स दोबारा से मौजूद है। और व्यूवर्स, मुझे अपना जो दूसरा अकाउंट बनाना है वो बनाना है अपना इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट। मैं यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा हूँ इस बात पे व्यूवर्स, जोर दे रहा हूँ कि आपका बिजनेस चाहे सोल ट्रेडरशिप है, चाहे आप पार्टनरशिप बिजनेस में काम करें, या आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं अपने पीएचटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, आपको इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाना लाजमी है। उसके बगैर आप एंट्री को सेव नहीं कर सकते। शायद आप में से बहुत से लोग जो अकाउंटिंग से बखूबी वाकिफ हों, वो ये सोच रहे होंगे इक्विटी अकाउंट जो आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट है, डेफिनेटली कॉरपोरेशन जो बिजनेस होते हैं या कंपनीज होती हैं उनमें मेंटेन किया जाता है, लेकिन पीएचटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको इक्विटी रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाना लाजिम है। तो चूंकि इक्विटी अकाउंट है हमारा और इक्विटी अकाउंट की आईडी 3000 से लेकर 3999 तक है, तो मैं 3001 अकाउंट आईडी से एलोकेट करता हूं और इसका नाम रखता हूं मैं रिटेन अर्निंग। और व्यूअर्स, इसकी अकाउंट टाइप में इक्विटी रिटेन अर्निंग हमारे पास मौजूद है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और फिर इसे सेव कर दिया। और व्यूअर्स, अब चूंकि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में एक और अकाउंट ऐड हो चुका है, इसलिए अगर हम इस मैग्नीफायर पर क्लिक करें तो आपको लिस्ट में दो अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा रिटेन अर्निंग का अकाउंट नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने इस चार्ट ऑफ अकाउंट में चंद अकाउंट्स ऐड करने हैं, और आप प्रैक्टिस करने के लिए साथ ही साथ मेरे साथ साथ यही अकाउंट्स बनाएंगे। और अभी हम इसी स्लाइड में एक स्लाइड में देखेंगे कि हमें कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, उनके क्या अकाउंट आईडीज एलोकेट करने हैं, और उनके क्या अकाउंट टाइटल्स एलोकेट करने हैं, और उनकी नेचर्स क्या होगी। इसका मतलब व्यूअर्स कि कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट ऐड करने के लिए तीन चीज़ें अहम, अकाउंट आईडी, उसका डिस्क्रिप्शन या अकाउंट टाइटल कह लीजिए आप उसे,
और तीसरा है अकाउंट टाइप। तो हम देखते हैं कि हमें अपने इस प्रोजेक्ट में, हमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इस वक्त जो अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। व्यूअर्स, हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट्स इस वक्त ऐड करने हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम असद कैपिटल अकाउंट ऐड करेंगे जिसका अकाउंट आईडी 3002 होगा और उसके अकाउंट टाइप जो है वो इक्विटी डजंट क्लोज, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है जो कि क्लोज नहीं होता। उसके बाद व्यूअर्स हम असद की ड्राइंग का अकाउंट क्रिएट करेंगे। असद इस बिजनेस के ओनर का नाम है और उसका अकाउंट आईडी हमने 3003 रखना है क्योंकि ये भी इक्विटी अकाउंट है और इसकी टाइप रखे हमने इक्विटी गेट्स क्लोज क्योंकि ड्राइंग्स का अकाउंट साल के आखिर में क्लोज हो जाता है। और व्यूअर्स, इसके बाद हम चाहते हैं कि एक्सपेंसिस अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे, मसलन रेंट एक्सपेंस जो है अकाउंट टाइप होगा, टाइटल होगा जिसका टाइप होगा एक्सपेंस और जिसका अकाउंट आईडी होगा 6001। और इसी तरह व्यूअर्स, अकाउंट आईडी 6002 के तहत हम इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसकी नेचर जो होगी अकाउंट टाइप वो एक्सपेंस ही होगी। और इसी तरह हम अकाउंट्स पेएबल, जिनके लिए अकाउंट टाइप अलहदा से मौजूद है, अकाउंट्स पेएबल की कैटेगरी मौजूद है और उसका अकाउंट आईडी हम 2002 रखेंगे और 2001 रखेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल जो जिसके लिए अलहदा से कैटेगरी मौजूद है हमारे पास पीएचट्री में, तो उसका अकाउंट टाइप अकाउंट रिसीवेबल ही होगा, अकाउंट नेम भी अकाउंट रिसीवेबल होगा, अलबत्त उसका अकाउंट आईडी 1002 होगा क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए एसेट हुआ करता है। और व्यूअर्स, लास्ट अकाउंट जो हमें बनाना है वो हमारा सेल्स का अकाउंट जिसका अकाउंट आईडी होगा 4001 और हमारी जो टाइप होगी उस अकाउंट की वो होगी इनकम। और व्यूअर्स, जब आप इस गिवन चार्ट के मुताबिक अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को सेट कर लेंगे और इस मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में मुंदरजा जेल अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करते हुए मैंने एक अकाउंट को इंटेंशली गलत जो है वो कैटेगरी दी है। अगर आप गौर करें तो जो हमारा 1002 अकाउंट रिसीवेबल है इसकी जो टाइप है वो इक्विटी डजंट क्लोज, ये मैंने गलती से इसको अगर मैंने गलत टाइप सेलेक्ट कर लिया तो क्या अकाउंट बनाने के बाद हम उसे एडिट कर सकते हैं? डेफिनेटली व्यूअर्स, हम इसको बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के लिए हम इस अकाउंट को डबल क्लिक करेंगे, ये अकाउंट सिलेक्ट हो गया और अब व्यूअर्स हम इसको आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। अगर हमें इसकी अकाउंट का नाम चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है तो हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं व्यूअर्स। और अगर हम इसका नेचर चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम इसकी नेचर चेंज करेंगे क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है और जैसा कि हमने पहले देखा कि अकाउंट रिसीवेबल के लिए अलहदा से कैटेगरी मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल की, तो हम अकाउंट रिसीवेबल की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको इसका अकाउंट आईडी चेंज करना मकसूद हो तो आप यहां पर चेंज आईडी के बटन पर क्लिक करेंगे और आपके पास ये एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें उसका ओल्ड आईडी और उसका न्यू आईडी आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास चूंकि आईडी जो है वो ठीक है, दुरुस्त है 1002, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसे कैंसिल कर देंगे। और व्यूअर्स, इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद जब मैं आपको अपना चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाता हूँ व्यूअर्स, तो आप देखें कि अकाउंट रिसीवेबल के सामने अब उसकी नेचर भी अकाउंट रिसीवेबल ही है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमने देखा कि हम किस तरह से किसी अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। और समटाइम व्यूअर्स, शायद आपको ज़रूरत महसूस हो कि आप किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहें, तो व्यूअर्स उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये कि आप उस अकाउंट को इनएक्टिव कर दें। इनएक्टिव करने से वो अकाउंट डिलीट तो नहीं होगा लेकिन वो अकाउंट आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे, आपके लेजर्स में नज़र नहीं आएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे बिल्कुल सफाई से मिटा दें, डिलीट कर दें। लेकिन आप किसी भी अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते अगर उस अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपने एक रेंट एक्सपेंस का अकाउंट यूटिलाइज किया हुआ है, आपने एक एंट्री रिकॉर्ड की हुई है रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब चूंकि इस अकाउंट का एक बैलेंस मौजूद है तो किसी भी अकाउंट का बैलेंस मौजूद हो तो आप उसे ज़ीरो किए बिना डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी अकाउंट को अगर किसी अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट आप उस अकाउंट को इस मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक करके उस सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप रेंट एक्सपेंस को डिलीट करना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए और व्यूअर्स यहाँ ऊपर टॉप पे आपके पास डिलीट दिस डिस्प्लेड अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है जहाँ से आप इस अकाउंट को आसानी से डिलीट कर सकते हैं।